जिसका चिंतन मरते समय आप करते हैं आपको वही गति मिलती है। दो प्रकार के कैमरे होते हैं, एक कैमरा वो जो आपके मोबाइल में है सेल्फी, वो कैमरा जो आपके मोबाइल में है ना वो आपके फेस की तस्वीर निकालता है, आपके बाहरी भाग की तस्वीर निकालता है। एक कैमरा होता है डॉक्टर के पास जिसको एक्सरा मशीन कहते हैं, वो एक्सरा मशीन बाहर की तस्वीर नहीं निकालती, वो हड्डी की निकालती है कहां फ्रैक्चर है। वो भी एक प्रकार का पावरफुल कैमरा है, ये कैमरा बाहर की तस्वीर निकालता है, डॉक्टर का कैमरा अंदर की तस्वीर निकालता है। एक कैमरा भगवान के पास है जो ना अंदर ना बाहर कहीं की नहीं, वो मरते समय आपके मन की तस्वीर निकालता है, आपके मन में क्या चल रहा था वो तस्वीर ले जाके यमराज को दिखाता है कि मरते समय इसके मन में ये चल रहा था और जो चल रहा था वो गति। अंते यामति सागति, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी जन कहते हैं अपनी मृत्यु को सुधार लो। मरते समय मन में यदि संसार रहा तो फिर संसार में आना पड़ेगा, और मरते समय यदि परमात्मा को याद कर लिया, भगवान के चरणों को याद कर लिया, तो आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर के भगवान के श्री चरणों में ही लगे रहोगे, मुक्त हो जाओगे। मुक्त प्राणी, मुक्ति चाहते हो महाराज जी, मुक्ति क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं, तो याद रखना भक्तों, भगवान की भक्ति करने वाला ऐसा मुक्त होता है, जब मन पड़े संसार में आता है, जब मन पड़े संसार से जाता है, भगवान के खर्चे से आता जाता है, उसे आने जाने का कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि भागवत में रामचरितमानस में लिखा है जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब मैं जन्म लेता हूं ना मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, जन्मत जब मैं पैदा होता हूं तो माँ को प्रसव की पीड़ा होती है, सुना होगा प्रसव की पीड़ा में, माँ तो अनुभव करती है, जब बच्चा पैदा होता है ना माँ को दर्द होता है, माँ को कष्ट होता है, जितना कष्ट माँ को होता है उससे कई गुना ज्यादा कष्ट उस बच्चे को होता है जो बच्चा पैदा हो रहा है। ऐसे ही जब हम पैदा होते हैं ना तो हमें कष्ट होता है और जब हम मरते हैं तो कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई रामचरितमानस। और जो भगवान की भक्ति करके मुक्त हो जाता है ना वो आता है जाता है पर इस कष्ट से बच जाता है, भगवान इस कष्ट से उसे दूर रखते हैं, यही मुक्ति है। भागवत सुनोगे तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति एक प्रकार की नहीं है, कई प्रकार की है, सुनना। एक बहु बोली गुरुजी हमें सास से कब मुक्ति मिलेगी, बहुत सेवा कर ली, ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। एक आदमी बोला गुरुजी हमें कर्जे से कब मुक्ति मिलेगी, बहुत कर्जा है सर पर, कर्जे से मुक्ति। एक आदमी बोला गुरुजी हमारे पीछे तो दुष्ट लोग पड़े हैं, हम तो बीमार हैं, हमें से बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी। बीमारी से मुक्ति, कर्जा से मुक्ति, सास से मुक्ति, संकट से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, ये मुक्तियां हैं। और जो भगवान की शरण में चला जाता है इन छोटी छोटी मुक्ति की क्या कहें, अरे भगवान को प्राप्त करने का भी ये कार्य कर लेता है, भवसागर से ही मुक्त हो जाता है। ये छोटी छोटी मुक्तियां तो मिल ही जाती है, जो भगवान की शरण में रहेगा, जो कथा सुनेगा उसे ये मुक्तियां मिल जाएंगी। जो कामना आपके मन में हो भागवत उस कामना को पूरी करती है, इसलिए भागवत एक बार मरने के पहले जरूर सुनना चाहिए, भागवत एक बार मरने के पहले जरूर करवानी चाहिए, योग्यता है, परमात्मा ने क्षमता दे रखी है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना चाहिए, क्यों जोड़ रहे हो साहब, बोले भागवत करवाएंगे ना, ये पैसा भागवत के लिए, मरने के पहले एक बार भागवत जरूर करवा लेना, मर सकोगे शांति से। यमराज बोलेगा क्या किया तूने, जवाब दे ना पाओगे, मैंने सिर्फ शराब पी, मैंने सिर्फ बुरा किया, मैंने सिर्फ आलोचनाएं करी। कम से कम मौका तो रहेगा, बहाना तो रहेगा, साहब मैंने बहुत पाप किए लेकिन एक पुण्य भी हो गया है, मैंने भागवत करवाई है, मैंने भागवत सुनी है, कह सकते हो, कह सकते हो, कहने को तो रहे, कर लेना भागवत मोक्षदायिनी है, तारती है।